साथ लाना चाहती थी क्योंकि वो चाहती कि सैंडी जला जाओ। नहीं एक बार बोल दे तो लास्ट टाइम भी कर सकती थी मैं ये प्रीति आराम से देखो एक तो मेरे सर चार बंदे हैं दो लड़कियां दो लड़के हर एक गैंग में है हर तीन गद्दे हैं अब कोई ना कोई लड़का किसी ना एक लड़की के साइड में सोता ही है गद्दों से पहले की बात है यार ऐसी क्या बात कर रहे हो बुलाने वाले बंदे यहां पे रहेंगे तो प्रॉब्लम जरूर होगी और दूसरी मैं तेरे को एक बात बताऊं अगर कमरे में कुछ होना है ना तो अगर चार गद्दे हो या आठ गद्दे हो वही ना मैम फिर भी हो जाएगा और दूसरी बात और इतनी टेंशन मत लो ये शो बहुत बड़ा शो है लास्ट ईयर शायद आपने देखा नहीं होगा जो लड़का आया था उसको हमें धक्के मार के निकाल दिया था ठीक है मैंने एक सेकेंड सुरभी फिनिश तो इसने ऐसे बोला कि इन लड़कियों में बहुत खुजली है और ये लड़कियां ऐसी बातें करती हैं विच इज रॉन्ग आई मीन सबको हक होता है वो किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं अगर इसने ये इम्प्रेशन लिया कि ये कैरेक्टर पे अगर लोग ऐसी बातें कर रहे हैं अबाउट अडल्ट स्टफ और उसने अगर कैरेक्टर के बारे में इशू हुआ तो मैंने सिर्फ ये बात सुनी है आई हैव नॉट हर्ड अबाउट कि ये लव ट्राइंगल कशिश या शुभदा की बात ये बातें मैंने नहीं सुनी है मैंने जो सुना है वो सैंडी ने जो मेरे सामने इकलौती बात की है लड़कियों के अंदर वो मैंने आपको बता दी मैं एक एक करके सब क्लियर करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल इसने अरे सब क्लियर करूंगा सब क्लियर हो जाएगा कृति लेट हिम फिनिश या कोई फायदा नहीं है तुम ओवरलैप करते हो हमें सुनाई नहीं देते कृति सैंडी की बात कंप्लीट होने देना अब एक के बाद सर फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके मैं पूरी गीतिका तक जाऊंगी एंड यू विल अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला है पहले मिनी पे आई मिनी को बोला मिनी और कशिश साथ में सोते हैं मैंने ये कहा मैंने जिंदगी में मॉम स्वेयर जिंदगी में नहीं कहा तो इसने फिर बोला गीतिका ने उसको बोला बोला मिनी ऐसा मैंने बोला कब बोला सोते हैं मैंने बोला था मैंने क्लियरली ये बात बोली है गैंग लीडर से ये बात गैंग लीडर तो यार क्या बात कर रहे हो सीरियसली मैन सीरियसली और सैंडी मैं का ऊपर से हमें निशा को भी बोलने दो यार फिर आई शुभदा पे वो उसने बोली कि शुभदा और कशिश के बारे में मैं गंदी गंदी बातें बोलता हूँ मैंने जिंदगी में किसी से तो कही होगी किसी इन पे किसी से किसी को भी पूछा है कशिश सुरभि तुम भी थी तुम सहोगी सोनू का नाम प्रीति ने कहा था पहले ये बात कि वो तुम्हारे रफ्तार सिंह के गाड़ी में थे और तुम महक के साथ ऐसे बैठी थी ऐसे गंद सुरभि वहां पे थी सुरभि से बोला था कि नहीं बोला बोला था ठीक है उसने बोला था ऐसा ये स्टार्ट किया उसने तुमने मॉम सर उससे ये कहा कि महक साथ में था वो ऐसे चिपक के बैठी थी वो दिखा के एक्ट करके दिखा रही है कि वो ऐसे बोला था कि बोला था फिर मैंने जवाब में बोला था कि गीतिका एंड सोनू की लास्ट टाइम पे थी आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल उसके चैट में मैं उठ के वहां पे चली गई बस कुछ नहीं बोला इससे पूछो सुरभि थी मैंने एक वर्ड गंदा नहीं बोला पर ये स्टार्ट किया ये और मैं बोलूं हां बोलो आप तो कृति कुछ नहीं बोलेगी अब बिल्कुल चुप हो रही हो और मैं गाड़ी में था चुप बोला सैंडी बोलने दे उसको रफ्तार सर आप ड्राइव कर रहे थे महक हमारी गाड़ी में आया था कोई बोलेगा नहीं बीच में महक गाड़ी में आया था कैसे बैठे थे आप आई वाज ड्राइविंग एंड यू वर सिटिंग आराम से ऑफ कोर्स मेरे सामने ऐसा नहीं हो सकता यार सर नहीं सर पहले सी एक सेकंड नाइस अगर कृति मुझे गलत लगता अगर मुझको गलत लगता कृति तू अपनी गाड़ी छोड़ के हमारी गाड़ी में क्यों आई थी भाई 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 एक बात आप ये क्यों कह रहे हो मेरी बात सुनो मुझे समझ नहीं आ रहा अगर वो बैठे भी थे और वो दोनों हैं तो वो उनकी बात है तुम कौन हो कृति तुम कौन हो दैट इज अनदर थिंग दैट इज अनदर थिंग बट दिस दिस कम्स टू माय वन मिनट गाइस आई विल नॉट टेक कृति साइड एट ऑल आई एम नॉट टेकिंग हर साइड पर अगर तुम बैठे हो और अगर कृति ने बोल दिया कि तुम ऐसे बैठे हो देन व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर अग्रीइंग यू वर सिटिंग लाइक दिस आपने देखा सैंडी कैसे बैठा है सैंडी ने देखा भी आपने क्या किया उसने इनैक्ट मैंने ऐसे ही ना किया था या मैंने किसी पैर का बताया था सैंडी शो उसने कहा था कि मैं तुम्हारी जज नहीं बैठी हुई यहां पे बार-बार मैं जो तुम थी वहां तो मैं बोल रही हूं भाई एक सेकंड सैंडी वो कह रही थी कि गीतिका इज वेरी चेप
वो उसके कृतिका इज वेरी चेप। हाँ तुमने बोला ये मैंने नहीं बोला। लिसन उसने कहा तुम्हें मैं एग्जैक्ट एनैक्ट कर रहा हूँ कृति ने क्या दिखाया था। क्या बकवास कर रहे हैं, एक सेकंड। ऐसे ऐसे दिखा रहा है, ऐसे टच किया हुआ है। और नॉट एट ऑल किया था, वरना मुझे मैंने पैरों का बोला था। ये मैं बोल रही हूँ सब कुछ कृति, डोंट ट्राई यार आप लड़की हो, आप लड़की हो। सर रफ्तार सर मैं गाड़ी में था ही नहीं, मुझे मैं ये उठाता ही नहीं। अगर ये पॉइंट मैं उठाता मैंने ये कैमरा के सामने मैं कभी बोलता ही नहीं ये सब गंदी बातें। एक बात बताओ, जब भी ये मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। बोला है तुमने, यू एक्टेड लाइक दिस ऑन इट, एक्टेड लाइक दिस। और वो बोल रहा था कि महक बैठा हुआ था और गीतिका उसकी गोदी में पैर ऐठे बैठ, मतलब पूरा एक्ट करके। पैर की बात हो रही है, तुमने पूरा किया था। करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। तो कृति, कृति आप पैर को भी क्यों डिस्क्राइब कर रहे हो? तो कृति तूने बोला था या नहीं? हमारी बात हो रही है, नहीं कौन होती है बोलने वाली? हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, बात हुई तो बात तो हो गई। क्यों आया आपका, तभी बोला ना आपने कृति, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। उसके बात से एग्री किया था, उसके बात से एग्री किया था। एग्री नहीं किया था सैंडी, लेट मी स्पीक फॉर यू वंस। मैं बता रहा हूं कृति तूने बोला था और सैंडी तूने एग्री किया था। मैं एग्री क्या किया था, तूने ये भी बोला था और इसमें और आई वो तन्ना सब बड़ा ये भी बोला था। कृति कृति का व्हाट्सएप से समथिंग, उसका भी अपना नाम का इशू सुन लो। ओए चुप बोल, वो तो बोल रही है मेरे, बोल उसकी बात है। तू सुन रहा था ना, क्या मजे ले रहा था ना उन सब बातों की? उस टाइम थप्पड़ क्यों नहीं मारा तूने कृति को? तो तू तू तो उससे बुरा निकला। You should have fucking shut her up then. How dare you let it linger in your ears and in your head for 2 weeks or whatever 4 days? मैंने तब जो जब उसने बोला तब मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर क्यों नहीं बोला सैंडी? क्योंकि मुझे finish her up. आज मेरे को किस पे गुस्सा है सैंडी? तुझ पे, क्योंकि ये 2 हफ्ते से तूने रोक रखा है और ये बात की जड़ ही नहीं पता कहां से स्टार्ट हुई। वो बोल रहे हैं मेरे बारे में, इसीलिए रिप्लाई बना, मैं कभी उठाता नहीं टॉपिक। सो देन व्हाई आर यू ड्रैगिंग गीतिका एंड महक इनटू दिस? मैंने ना नहीं किया, वो उठा रही थी। उनकी इज्जत की जो मिट्टी प्लीज कर रहा है वो कृति नहीं कर रही, एज मच एज तू कर रहा है टेलीविजन पे आके डिस्क्राइब करके। कौन सा बोला, वरना मैं कभी बताता ही नहीं। मैंने इतने लड़कियां हैं मैम, किसी से भी पूछ लो, एनी वन एनी गर्ल। अगर रूम में तू हमारे रहता तो उनके बारे में बोल ही नहीं सकता। तू कर सकता है तो हमारे बारे में कर सकता है। उस दिन रूम में ना मैं जो रूम की बात हुई है, मैं एक एक बात क्लियर करूं, बीच में ना बोल दियो। ठीक है, मैं सैंडी सोनू और प्रिया बैठे थे। ठीक है, हम लोग खेल रहे थे ट्रूथ एंड डेयर, ये अपने ट्रूथ बता रहे थे, किसकी गर्लफ्रेंड है, किसका पास्ट कैसा है, ये बात हुई थी। एंड दिस गाय सेड कि हमें मेरे को बातें नहीं सुननी तुम्हारी, मेरे को नींद आ रही है, मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ। मैंने इसको 2 बार बोला, सैंडी वहीं रुक, तू क्यों जा रहा है, हम चुप हो जाते हैं, हम धीरे हो जाते हैं। बोला था नहीं बोला था? बोला था। यू नो व्हाट, उस दिन इसने जब ये हरकतें की ना, ये बोलने लग गया, बकवास करने लग गया, अल्टीमेटली उठ के भी तुम मुझे तंग कर रहे हो, तुम बात क्यों कर रहे हो तीनों। हमने बोला ठीक है तेरी मर्जी, तुझे जो करना है जा, और ये उसी बात को लेकर उधर चला गया। एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग शिट अबाउट दैट नाइट, एंड आई वाज लुकिंग एट सोनू दैट तुमको किसने बताया? और कृति ने एक बात नहीं बोली जो तूने बोली थी कि वो दोनों ब्लैंकेट के नीचे मेकआउट कर रहे थे। मैंने नहीं बोला। एक सेकंड, व्हाट निष्कर्ष, रिपीट। आई नेवर सेड दैट, आई नेवर, निष्कर्ष रिपीट। मैंने कहां बोला? मैंने बोला मेकआउट, मैं कार में बोला था, मैंने कहीं नहीं बोला। लिसन, मैंने नहीं बोला था, मैं कभी बात भी सही नहीं हुई थी। नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड। आई नेवर टोल्ड, आई नेवर टेल यू, ट्रस्ट मी, आई नेवर टोल्ड। थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग मी, थैंक यू। मैं सेड कृति तू एक्टिंग बंद कर, यू आर ए झूठी। अरे तू यहां जाके लिसन, लिसन, तू इस पे बात नहीं कर। तेरे एक्यूजेशन की बात नहीं हो रही। तूने बोला या नहीं बोला? निष्कर्ष, निष्कर्ष, एक सेकंड, एक मिनट, मैं बोल रहा हूं ना। हां सर, क्या बोल रहे हो आप? इसने किसके बारे में क्या बोला था? कृति भी कुछ बोल रही थी उनके बारे में, ये अग्री कर रहा था। और इनके बारे में और क्या बात बोली इसने? गीतिका और सोनू के बारे में आपको बोलने दोगे? रण भाई उससे पूछ रहे ना। गीतिका और सोनू के बारे में कृति भी बोल रही थी, ये अग्री कर रहा था। और एक बात जो इसने बोली है वो ये कि वो दोनों ब्लैंकेट के नीचे ऐसे शोल्डर रख के हैं और मेकआउट कर रहे थे। सर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैं अब यही सोच रही थी कि सर मैं लिंक क्यों कर रही थी, लिंक क्यों कर रही थी, अब मुझे याद आया। अरे तू एक्टिंग बंद कर, अरे एक सेकंड सैंडी प्लीज, तू सबसे सैंडी, वो तेरा काम है। इसने ये बात बोली थी, देन ऐसे कि अच्छा अगर ऐसा है तो शायद, मैंने भी अभी ये देखा, वो होती है ना बात पे बात निकलना, तो मेरे दिमाग में कि यार फिर शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि उससे पहले आई डोंट नो, हमारी
इसी ने टॉपिक उठाया था, इसी ने बोला था मैं अगर किसी भी कोई भी फुटेज में कोई भी कहां पे एक लड़की के बारे में मैंने गलत बोला पिछले शो में हमारी बात हुई थी एपिसोड में पिछले टाइम कि किसी ने भी अगर ये बोला आई विल लीव द शो सॉरी सर